अल्लाह तबारक व तआला फख्र गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कारून जिसको बहुत खजाना मिला था, दुनिया का एक बहुत ज्यादा खजाना कारून के पास था, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने उम्दा लिबास पहना, फाखिराना लिबास पहना, और वो लिबास पहन करके बाहर निकला फख्र करते हुए, घमंड करते हुए, तकब्बुर करते हुए। अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धंसा दिया, जिंदा धंसा दिया, आज तक धंस रहा है, कयामत तक धंसता रहेगा। फख्र गुरूर तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब कारून ने अल्लाह के साथ बगावत की और अपनी ताकत के बलबूते पर अपने लिबास को पहन करके कौम को हकीर समझा, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उसको उसकी हवेली के साथ जमीन में धंसा दिया, वो भी धंस गया, उसकी हवेली भी धंस गई। हमारी मस्जिद में बैठा हुआ कोई आदमी कारून से ज्यादा खजाना है क्या? है किसी के पास? अरे कारून के खजाने की तो चाबियां उठाने के लिए एक नौजवानों की जमात थी, सिर्फ चाबियां उठाने के लिए, खजाने का आलम क्या होगा? कारून को अल्लाह ने धंसा दिया, वो भी धंस गया, उसका महल भी धंस गया। तकब्बुर करने वालों को डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला जमीन में न धंसा दे। हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने महसूस किया है, अल्लाह की ये सुन्नत आज भी बाकी है। अल्लाह ताला जब चाहता है जमीन को थोड़ी सी हरकत देता है, बिल्डिंगें जमीन के अंदर चली जाती हैं। हमने देखा है। मेरे भाइयों, दिलों को पाक रखो। फख्र करना, गुरूर करना, घमंड करना, तकब्बुर करना अल्लाह को पसंद नहीं है। दिल को साफ रखो।